क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या होता है ना कि जो जो लाइव वायर होता है वो इंसुलेट कवर किया रहता है प्लास्टिक से। किसी रीजन की वजह से वो लाइव वायर क्या होता है, किसी मेटल से अगर टच करता है, कोई मेटल से या मेटल केसिंग से, या फिर क्या होता है कि मान लो तुम्हारा एक कोई डिवाइस है, तुम्हारे पास कोई अप्लायंस है, वो मेटल केसिंग उस पे, जैसे कि मान लो कि रेफ्रिजरेटर हो गया है ना, फैन हो गया, मिक्सर हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब में जनरली मेटल केसिंग होता है। देखिए ये घर में रेफ्रिजरेटर में मेटल केसिंग होता है, मेटल का पूरा बना रहता है। तो कभी कभी देखना उस पे ना, हम लोग छुएंगे ना, टच करेंगे तो हम लोग करंट टाइप का, शॉक शॉक टाइप का लगता है। देखिए फील तो किए हो बहुत बार, अचानक हम लोग अगर उसको टच कर देते हैं खाली पैर में तो देखते हैं कि अचानक से हम लोग को थोड़ा हल्का शॉक टाइप का लगता है, जो भी मेटल मेटल रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो कि वो जो तुम्हारा लाइव वायर है ना, वो कभी कभी मेटल केसिंग के साथ कॉन्टैक्ट पे आ जाता है, मेटल केसिंग के साथ कांटेक्ट पे आता है। ठीक है, मतलब वायर पे टच द मेटल केसिंग, मेटल केसिंग के साथ बहुत बार क्या होगा, कांटेक्ट पे आता है। तो इससे क्या होगा, मेटल केसिंग जो होगा ना वो हमेशा हाई पोटेंशियल पे कनेक्टेड रहता है। ऑब्वियस सा बात है कि वो जैसे एक रेडिएटर है, उस पे स्विच ऑन किया, वो चल रहा है, अब क्या वो हाई पोटेंशियल पे है, तो वायर क्या होगा या फिर मेटल केसिंग क्या होगा, जैसे मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, ये सब टोस्टर, ये जो होगा, ये अगर कंटिन्यूअसली टच करते हम लोग अपने हाथों से, हम लोग को शॉक लगेगा। सब लोग फील किया होगा कभी ना कभी, या नहीं इसको करना घर में, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कभी टच करके मत देखना, ठीक है ना, बहुत तो ज्यादा भी शॉक लग सकता है, तो इस तरह कोई भी काम नहीं करना है, बस सुनो। तो क्या होता है कि जब हम लोग उसको टच करते हैं, सपोज अर्थिंग नहीं है, तो देखना घर में मम्मी पापा लोग क्या बोलते हैं कि अर्थिंग नहीं है तो उसको टच मत करो, शॉक लगेगा, ऐसे बोलते हैं। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के थ्रू, इवन आवर बॉडी इज अ बिहेव लाइक कंडक्टर, अपने बॉडी भी एक तरह का कंडक्टर है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग के शरीर से आराम से करंट पास कर सकता है। आयंस हम लोग के बॉडी में बहुत सारा है पहले से, तो वो हम लोग के बॉडी में फ्लो करना शुरू करता है ना, मतलब करंट भी फ्लो थ्रू आवर बॉडी टू द अर्थ, अर्थ पे चला जाता है तो बॉडी से। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, मतलब एक यहाँ पे एक क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हम लोग कुछ करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, ताकि हम लोग के बॉडी के थ्रू करंट अर्थ पे ना जाए, हम लोग को शॉक नहीं लगे। तो अर्थिंग एक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड योर अर्थिंग। जैसे सीबीएसई में 10th क्लास इसके बारे में लिखना आएगा डिटेल्स में, या फिर छोटा शॉर्ट नोट्स आएगा कि अर्थिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो किस चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं हम लोग, किसी भी मेटल केसिंग के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है हमारे बॉडी पे, और फ्लो करते हुए अगर वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जाता है तो क्या हो जाएगा, इससे इससे हम लोग को शॉक लग सकता है, हम लोग के बॉडी के थ्रू करंट जा रहा है, इवन बहुत ज्यादा करंट होगा तो बहुत बड़ा कुछ डैमेज हो सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी वी हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग। सो व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग मेटल बॉडी। मतलब अर्थिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल बॉडी को हम लोग कनेक्ट करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है, मतलब अर्थिंग क्या होता है, इसमें कोई मेटल बॉडी को कनेक्ट किया जाता है, किससे, थिक कॉपर वायर से या फिर कॉपर प्लेट से, जिसको क्या किया जाता है, बहुत अंदर बरीड किया जाता है, यानी कि जमीन के अंदर डीप में इसको बरीड कर दिया जाता है एक वायर को। और कॉपर प्लेट को चारकोल और नमक जो होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl, उससे हम लोग कवर कर देते हैं। ठीक है, मतलब उसके चारों तरफ नमक, चारकोल, ये सब हम लोग बिछा देते हैं। तो देखना कभी घर घर में हम होता है इस तरह का, या फिर तुम देखना कभी होता है तो तुम देख सकते हो, तो क्या होता है, जमीन को थोड़ा डीप किया जाता है, उसको बरीड किया जाता है, मतलब बोरिंग टाइप का किया जाता है जमीन के अंदर, उसको उसका क्या किया जाता है कि कॉपर का मेटल, कॉपर मेटल का मोटा सा वायर, थीक वायर या फिर प्लेट, उसको रख दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर से नमक, चारकोल सब बिछा देते हैं। ठीक, और जो भी मेटल केसिंग है उसके थ्रू पतला सा, उसके थ्रू क्या होता है, वायर को जमीन के अंदर मतलब कनेक्ट कर दिया था। ऐसा क्या करेंगे हम लोग, इस तरह डीप करते हैं ऐसा, और अंदर इस तरह मेटल का कुछ कॉपर का वायर रहता है, और इसके आसपास क्या करते हैं ना, नमक उमक, चारकोल, और इस तरह हम लोग जस्ट स्प्रेड कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज सर क्यों कॉल्ड, डालते हैं चारकोल नमक क्यों डालते हैं? चारकोल नमक क्यों डालते हैं? देखो नमक भी क्या होता है, तुम्हारा NaCl है यहाँ पे, है ना, तो हाँ
क्या होगा कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं. बैलेंस का मतलब है जैसे Na+ या फिर Cl- आयंस के फॉर्म में हमको यहां पे मिलेगा, ठीक है. अच्छा, तो कॉमन सॉल्ट दिया जाता है बेसिकली यहां पे, मतलब इसका यूज यही है. जो मतलब मेटल प्लेट रहेगा ना, मेटल प्लेट या फिर जो हम लोग अंदर जो कोई ठीक वायर दे रहे हैं, हाँ, उससे सराउंड कर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो नेट चार्ज का न्यूट्रलिटी ऐसा कुछ करने में हेल्प करेगा, या फिर पूरा पूरा जो मान लो कि करंट जो है जमीन पे चला जा रहा है उसको अर्थ के मतलब अर्थ का भी जीरो, अर्थ का पोटेंशियल जीरो मानते हैं, तो अर्थ का के बराबर जीरो पोटेंशियल पे ले आएगा. तो इन सब प्रोसेस करने की वजह से मतलब करना चाह रहे हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ पे हम लोग नमक वगैरह का भी यूज करते हैं, ठीक है. और अर्थिंग क्या होता है यहाँ पे, दो तरीके का होता है, मतलब दो तरह से मदद कर सकता है. एक तो हम लोग अगर लाइव वायर के कॉन्टेक्ट पे आते हैं मेटल केसिंग के साथ, तो करंट क्या हो जाएगा, हम लोग मान लो उसको टच करते हैं तो अब करंट क्या होगा, फ्लो करना शुरू करेगा, लेकिन वो डायरेक्ट अर्थ वायर पे चला जाएगा. मतलब हम लोग के बॉडी से नहीं जाके अर्थिंग अगर किया हो रहेगा तो इट विल फ्लो थ्रू द अर्थ वायर, है ना, क्योंकि अब तो अर्थिंग हो गया है. अर्थिंग नहीं रहता तो वो अर्थ पे जाना चाहेगा विदाउट विद हेल्प ऑफ आवर बॉडी, मतलब बाय आवर बॉडी. बट इफ वी डन अर्थिंग, इफ वी डन द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग के बॉडी पे नहीं जाके, हम लोग के बॉडी से नहीं जाके वो इंस्टेंट करंट किस पे जाएगा, वो फ्लो करेगा थ्रू द अर्थ वायर, मतलब जो वायर अर्थ पे चला गया उसके थ्रू. तो इससे क्या होगा, लाइव वायर को अगर हम लोग टच करेंगे ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, तो इससे क्या हो जाएगा, करंट जो होगा वो फ्लो करना शुरू करेगा अर्थ वायर पे, जो कि बहुत लेस रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, मतलब वो लार्ज करंट को ड्रॉ कर देगा टूवर्ड्स, मतलब क्या करेगा अर्थिंग क्या करेगा ना, बहुत ज्यादा अगर करंट होगा उसको अपने तरफ ड्रॉ कर ले रहा है, अपने तरफ ड्रॉ कर ले रहा है, ठीक है, लेस रेजिस्टेंस उसका, इट विल ड्रॉ द मोर करंट टूवर्ड्स द अर्थ, और इट विल ड्रॉ द मोर करंट टूवर्ड्स इट. इससे क्या हो जाएगा ना, तो अप्लायंस क्या होगा, ये किसी भी तरह करंट रिसीव नहीं करेगा और हम लोग को डैमेज, पोटेंशियल डैमेज होने से बचा देगा, डिवाइस पे पोटेंशियल डैमेज होने से बचेगा, या फिर हम लोग को भी शॉर्ट सर्किट हम लोग होने से बच जाएंगे. तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग, ठीक है ना, अर्थिंग इसी को बोलते हैं हम लोग. इसका मतलब सीधा एक आसान भाषा में ये है कि हम लोग उसको किसी भी मेटल कॉपर वायर हो गया, उसको हम लोग बहुत डीप, ज्यादा डीप नहीं, कभी एटलीस्ट 7 फीट 8 फीट 10 फीट इस तरह के डीप पे बरीड कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बहुत डीप पे बरीड कर देते हैं, ताकि वो जो एक्स्ट्रा करेंट जो फ्लो कर रहा है, जो हम लोग के बॉडी के थ्रू फ्लो कर रहा था, अब उस वायर के थ्रू फ्लो करेगा और आसानी से वो अर्थ पे जा सके, मतलब अर्थ वायर से फ्लो कर पाए, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अर्थिंग करते हैं. समझ में आ गया? Yes, sir. बोलो, किसी को सवाल बोलो. देखो, एक पूछ रहा था नमक क्यों यूज करते हैं ना, तो नमक यूज करते हैं, पूछा जाए तुमसे सवाल, तो इतना तो बोलना कि चारकोल और नमक क्या होता है ना, ये इसको यूज इसीलिए करते हैं ताकि वो लो रेजिस्टेंस को मेंटेन कर सके, और उसका आयनिक बिहेवियर होता है, सर पहले बताए कि नमक का क्या होता है, आयनिक बिहेवियर होता है, ठीक है, और चारकोल मॉइस्चर को मेंटेन करता है. यहाँ इसको लिख लो नोट करके, नमक का काम क्या है, देखो नमक का होता है आयनिक बिहेवियर, ठीक है ना, आयनिक बिहेवियर. क्या सभी का आवाज आ रहा है, बोल दो एक बार. यस सर. ठीक है, तो किसी ने भी पूछा था कि सर नमक क्यों दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा सवाल था. मैं भी पूछा था सर. हाँ, तू भी पूछे हो, वेरी गुड. तो नमक का आयनिक बिहेवियर होता है ना, ये तो तुम सब जानते हो, और इसकी वजह से क्या होगा ना, इसकी वजह से ये भी होगा कि नमक लो रेजिस्टेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा. ज्यादा आयनिक है तो ऑब्वियस सा बात है, आयंस इजीली फ्लो, करंट आयन इंक्रीज द करंट, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये एक लो रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा. तो जितना मेंटेन करेगा लो रेजिस्टेंस उतना अच्छा, उतना करंट को ज्यादा ड्रॉ करेगा, ऑब्वियस सा बात है. गुड कंडक्टर, इट इज बिहेव लाइक अ गुड करंट ड्रॉ, मतलब इट इज ड्रॉन गुड मच करंट, मच अमाउंट ऑफ करंट, सो मेंटेन maintain low resistance for the earth, ठीक है ना, low resistance for the earth, ये बहुत एक important point है. और अगर तुमसे बोले कि charcoal की use करते हैं, तो charcoal ना moisture को maintain करता है, मतलब कैसे समझा उसको, जैसे तुम ये बोल सकते हो कि एक moisture जो उसको maintain करेगा, moisture समझते ही हो, है ना, नमी जिसको बोलते हैं,
हिंदी में, तो इट इज चारकोल मेंटेन मॉइस्चर। ये सब को नोट करना घर में, अच्छा कॉपी बनाना एक तो जो पढ़ा है अब तक, और देखना फॉर्मूला वगैरह कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, लिखते लिखते याद रहेगा सारा चीज, छोटा मोटा फॉर्मूला सा है। ये क्या करेगा, इट इज मेंटेन, ठीक से लिख लो तो साइड में कहीं पे, क्या मेंटेन करेगा, मॉइस्चर मेंटेन करेगा, ठीक है, मॉइस्चर, एम वाई एस क्यू आर, मॉइस्चर, नमी जिसको बोलते हैं, बात समझ में आ गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड योर अर्थिंग। और सर मतलब कॉपर के बदले ऐसा भी ले सकते हैं ना, जब कॉपर जो प्लेट है जिसका रेजिस्टिविटी से मतलब है ना, बस मतलब कोई भी ले सकता है जिसका रेजिस्टिविटी कम हो, रेजिस्टिविटी कम हो, यस, कंडक्टिविटी ज्यादा हो, हाँ बिल्कुल, और कॉपर के और भी कुछ ले सकते हो, बट कॉपर थोड़ा चीप होता है, एल्यूमिनियम कॉपर सस्ता होता है, है ना, कॉपर सस्ता होता है तो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम सस्ता होता है सर, एल्यूमिनियम सस्ता होता है, मतलब एल्यूमिनियम से तो एल्यूमिनियम ज्यादा सस्ता है कॉपर से, बट अगर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ज्यादा सस्ता है, एल्यूमिनियम का कार्य असल बनता है, लाइट भी होता है वेट में, लेकिन कॉपर इसलिए भी यूज करते हैं कि कॉपर मतलब बाकी मेटल के कंपैरिजन में मान लो तुम सिल्वर से तो नहीं बनाओगे, सिल्वर का कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है, यस सर बेस्ट कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है, तो इन सब तो नहीं बनाएंगे ना, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, तो कॉपर क्या होता है कि ठीक ठाक मतलब काम करता है, एक तो उसका कंडक्टिविटी भी सही रेंज में है, और नहीं तो उसके जगह एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं अगर सस्ता में बनवाना है, बट कॉपर का जो क्वालिटी है या फिर लॉन्ग लाइफ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो थोड़ा बेटर है कॉपर वायर का, और एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, प्लस थोड़ा सा कॉपर हेवी भी है, तो मतलब डेंस कॉपर, सर कॉपर ज्यादा वो भी होता है, कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, क्या क्या, एल्यूमिनियम से ज्यादा कंडक्टिविटी भी होती है, हाँ वही वही बोल रहे, कंडक्टिविटी थोड़ा अच्छा एल्यूमिनियम से, तो कॉपर थोड़ा बेटर है, मतलब एज अ कंडक्टर कॉपर टिटर से बेटर, बट प्राइस के कम, प्राइस को देखते हम लोग कभी आजकल एल्यूमिनियम वायर का भी यूज करते हैं, और कॉपर हमेशा से बेटर वायर है, कॉइल वायर देखना कॉपर से ही बनता है, कॉइल हो गया पंखा के अंदर जो भी कॉइल्स वगैरह मिलेगा तुमको, देखना वो सब कॉपर का ही बनाया था, एल्यूमिनियम का बहुत कम मिलेगा, एल्यूमिनियम थोड़ा चीपेस्ट टाइप का होता है, तो क्वालिटी फैक्टर की वजह से कॉपर इज गुड, ठीक है ना, तो अर्थिंग इसी को बोलते हैं हम लोग, अर्थिंग हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है, तो अर्थिंग सिस्टम या फिर अर्थिंग बोलते हैं, समझ में आ गया ना, इसका इमेज अगर डायग्राम हम लोग समझेंगे तो बहुत सिंपल सा ऐसा कुछ है, मान लो कि लाइव वायर से जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ लाइव वायर जा रहा है यहाँ पे इस तरह का, एक ऐसा लाइव वायर गया है ना, उसको ऐसे नीचे ले जाके एक मेटल प्लेट कॉपर का लगा दिए और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, अर्थ के पोटेंशियल के, इसको पोटेंशियल के बराबर हो गया ये, और हम लोग यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिए, ऐसा कुछ एक डायग्राम होता है, मतलब अर्थिंग का डायग्राम से मतलब नहीं अभी इसको, ठीक है, अब हाउस होल्ड सर्किट जो हम लोग घर में कैसे सर्किट बनता है, तो सभी लोग के घर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, सब लोग देखा होगा एसी रहता है बेसिकली ये, तो सब लोग अपने घर में अगर देखा होगा तो ध्यान दिए हो तुम कि हम लोग में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो घर पे आता है ना वो हम लोग के ऊपर से तार जाता है, मतलब घर पे एक पोल से देखना, पोल से या तो फिर कभी कभी अंडरग्राउंड केबल भी आता है, आजकल तो बहुत सिटी में अंडरग्राउंड केबल का भी यूज होता है, मतलब जमीन के अंदर से, लेकिन अभी तो हम लोग के जैसे हम लोग के घर में क्या होता है कि पोल से आता है, शायद तुम लोग का भी आता होगा पोल से तार आता है, ठीक है, और घर पे डायरेक्ट आता है, इलेक्ट्रिकल केबल पे तीन तार होता है बेसिकली, तीन तार होता है, एक होता है फेस वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है अर्थ वायर, ठीक है ना, तीन तार होता है, एक होता है फेस वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर और एक होता है अर्थ वायर, पोल ऐसा रहता है ना पोल, और उस समय घर में तार आ रहा है, इस तार में तीन वायर है एक साथ, मतलब इंसुलेट किया हुआ तीन वायर रहता है इसमें, तो जो भी कंपनी होता है जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल करता है या सप्लाई करता है वो एक फ्यूज भी इंस्टॉल करता है पोल के पास और एक मीटर इंस्टॉल करता है, ऐसे हम लोग सरकार जो होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो क्या करता है, हम लोग घर में मेन स्विच के पास एक किलोवाट आवर वाला बिजली का मीटर लगा देता है जिससे हम लोग देखते हैं कि कितना एनर्जी कंज्यूम किए और हर महीना हम लोग सर्टन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पे करते हैं, तो जैसे एक घंटा में कितना वो सब हम लोग कैलकुलेट करना सीख गए हैं, है ना, कितना एनर्जी कैसे निकालते हैं किलोवाट आवर में, तो क्या होता है कि हाउस जो का वो
मोर करंट को ड्रॉ करेगा तो फ्यूज क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, ये भी पढ़ चुके हैं कि करंट का भी लिमिट होता है, इसको बोलते हैं लिमिट, मतलब फ्यूज का अपना एक लिमिट है, उतना ही करंट ड्रॉ कर सकता है, नहीं तो कट ऑफ हो जाएगा तब सप्लाई, या तो फिर फ्यूज जो मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज एक बहुत ही लो क्वालिटी का वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। तो सारा बात हम लोग देख लिए हैं, ये सब बात हम लोग देखे हैं, उसी पर समझ लेकर फिर क्या बोल रहे हैं कि जो पावर स्टेशन जो होता है फ्यूज को मैं किससे बनता है, लेट से ना क्या क्या फ्यूज के वायर किससे बनते हैं सर, लेट से ना लेट और टीम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, नहीं किए थे क्या पिछला क्लास? यस सर, 50% लेड और 50% टीन। पिछला क्लास नहीं किए थे सर, एलॉय से ना, एलॉय कंटेनिंग 50% लेड, हां एलॉय रहता है जिसमें 50% लेड रहता है और 50% टीन रहता है, ठीक है, ऐसे टीन किससे बनता है नोट करके लिखना सर। मैं आया नहीं था क्या सर? मैं आया नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेना, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ ले लेना सर से। पीडीएफ कोई क्लास नहीं कर पाता है बाय चांस तो पीडीएफ ले लिया करो, और वीडियो वीडियो आपका बाय चांस ठीक है ना, पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा। क्या बोलो, और कोई डाउट है बोलो जल्दी जल्दी, कोई डाउट है तो? नहीं सर। बोलो क्या नाम है, नाम ठीक है बोलना, कोई डाउट होगा तो। तो अब देखो क्या होगा कि आउटपुट क्या बोल रहे थे, किलोवाट मीटर का बात कर रहे थे ना, एक मीटर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, सीरीज से कनेक्टेड होता है कहाँ, लाइव वायर से, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑन द आउटपुट साइड ऑफ किलोवाट मीटर फ्यूज कनेक्टेड सीरीज विद लाइव वायर, फ्यूज को लाइव वायर से कनेक्ट कर देते मीटर के साथ, और फ्यूज को हम लोग बोलते हैं मेन फ्यूज, उसी को मेन फ्यूज बोलते हैं, इसमें पोर्सेलेन का केस रहता है और लेड का टीन का बना हुआ वायर होता है छोटा सा, जैसा प्रीवियस क्लास में समझे थे। और उसके बाद क्या होता है, लाइव और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया था मेन स्विच के साथ, जहां से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन शुरू होता है, और वहीं पे रहता है मेन स्विच जिसको हम लोग ऑफ ऑन करते रहते हैं, जैसे घर में अगर कभी कभी हम लोग ऑफ करते हैं, जैसे पूरा सप्लाई को अगर रोकना है घर में तो हम लोग मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं। यहां से हम लोग डिफरेंट रूम पे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जाता है, कहाँ रूम पे जाता है ना, फिर फ्रिज लगा उस पे जाता है, एसी लगा उस पे जाता है, ठीक है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। तो ये होता है इसको हाउस होल्ड सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब मेन स्विच जो होता है वो उस पे क्या रहता है, एक आयरन क्लैड होता है, डबल पोल स्विच बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। मेन स्विच में देखना तुम कभी, एक बॉक्स टाइप का आजकल बनता है ऐसा, पहले जमाने में हैंडल टाइप का था, एक छोटा सा बॉक्स टाइप का व्हाइट कलर का, इसमें एक व्हाइट कलर में रेड यहाँ लाइट जलता है और यहाँ पे ऐसा एक बटन टाइप का रहता है स्विच टाइप का ब्लैक कलर का, उसको ऑफ करते हैं। पहले जमाने में क्या होता था ना, लोहा का मेटल का, लोहा मतलब लोहा नहीं बोले, कोई मेटल का ऐसा हैंडल टाइप का रहता था, उसको हम लोग ऑन ऑफ करते, ऊपर नीचे करते, डाउन अप करते थे ऐसे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्विच। ये मेन स्विच के बारे में तो डिस्कस नहीं कर रहे, सिंगल लीवर होता है, कनेक्ट होता है डिसकनेक्टेड बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर, मतलब इतना अलग स्विच है बस, डिसकनेक्ट का कनेक्ट करने काम आता है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है दिस टू वायर्स देन कैरी पावर एट होल हाउस। अब यही क्या करेगा, दोनों वायर न्यूट्रल वायर और लाइव वायर मिलके पूरे घर पे पावर सप्लाई करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा पावर का वो क्या होगा, टू टाइप ऑफ वायरिंग होता है बेसिकली, है ना। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहे हैं। एक होता है ट्री टाइप, होता है एक होता है रिंग टाइप, एक होता है ट्री कनेक्शन, एक होता है रिंग कनेक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ कनेक्शन बेसिकली, रिंग कनेक्शन एंड ट्री कनेक्शन। चलो यहां तक बस देख लो, सब लोग एक बार पढ़ लो तो रीडिंग पूरा, सब लोग पढ़ लो, दो मिनट का टाइम दे रहे हैं, सब लोग पढ़ लो। हम लोग देखेंगे फिर कि क्या होता है ट्री कनेक्शन। कोई तरह डाउट है तो पूछना, ठीक। कोई सेंटेंस में कोई दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम है? हो गया क्लियर?
यस सर ठीक है। अब देखते हैं ट्री टाइप किसको बोलते हैं, रिंग टाइप किसको बोलते हैं। तो इन सबको घर में अच्छे से नोट डाउन करना है, इतना नहीं लिखना तो पॉइंट लिख लेना बस समझने के लिए, तो समझा रहे उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो पॉइंट वाइज, या तो लिख लेना बिना देख के, ठीक है ना, पढ़ के अच्छे से अपने दिमाग में समझ के इसको लिख लेना और याद रहेगा। तो ठीक, रुको एक बात और तुमको बताते हैं री कनेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे पेस्ट हम करते हैं डायग्राम। कहाँ गया ट्री कनेक्शन, यहाँ पे देखो सभी लोग, रुको इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो इसको हम लिखवा सकते हैं नोट पॉइंट वाइज, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि टाइम भी जाएगा बहुत और डायग्राम ग्राम भी बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए सब प्रॉपरली डायग्राम दिया गया है और बहुत आराम से तुम समझ जाओगे अभी, ठीक है। ये तुम्हारे घर का बिजली का कनेक्शन है, लाइट का, घर में जो होता है हम लोग का, सभी के घर में, ठीक है। देखो सबको दिख रहा होगा ये ट्री सिस्टम, ठीक, देखो क्या क्या यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे रहता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो मेन बोर्ड जो होता है, यहाँ पे मेन स्विच वगैरह लगा रहता है, ठीक है ना, फ्यूज लगा रहता है, तीन वायर बाहर से आया बोर्ड से, लाइव वायर, अर्थ वायर अर्थिंग वाला और न्यूट्रल वायर। अर्थिंग वायर का काम है अर्थ करना, है ना, एक्स्ट्रा मतलब जो भी करेंट होगा अर्थ अर्थ में भेजना उसको, अर्थिंग वायर के थ्रू ब्रीड करते हैं हम लोग जमीन के अंदर, जैसे बताया अभी, है ना। दो वायर का मेन काम है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अब यहाँ पे देखना सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन रहता है, टू पिन सॉकेट पे देखना एक न्यूट्रल रहता है एक लाइव रहता है, और थ्री पिन में क्या रहता है, अर्थ न्यूट्रल लाइव। देखो ना ऐसा प्लग रहता है लैपटॉप के चार्जर में या फिर आयरन में या फिर टीवी में, कभी टू पिन कभी थ्री पिन प्लग बोलते हैं हम लोग। तो थ्री पिन का मतलब क्या, लाइव न्यूट्रल और अर्थ, और टू पिन का मतलब है न्यूट्रल एंड लाइव, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से तार जा रहा है, कहाँ गया, एक पर्सन एक रूम पे गया, एक रूम पे गया फिर दूसरा रूम पे गया, लाइव न्यूट्रल अर्थ, लाइव न्यूट्रल अर्थ, ठीक है। तो इससे क्या, लाइव से क्या कनेक्ट करते हैं, बल्ब कनेक्ट कर दिए पैरेलल पे, रेफ्रिजरेटर कनेक्ट किए हैं, पंखा कनेक्ट कर दिए हैं, हीटर कनेक्ट किए, पावर सॉकेट कनेक्ट किए, सब कुछ हम लोग लाइव से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसका एक एंड लाइव में एक एंड न्यूट्रल पे, तो ये पैरेलल पे कनेक्टेड रहता है बेसिकली, इसको बोलते हैं ट्री सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर फ्यूज है ना, क्या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसके अंदर फ्यूज है ना, वो तीन जो बॉक्स है छोटे छोटे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर वो है ना फ्यूज है ना, हाँ फ्यूज है, मेन स्विच है सब उसमें, ठीक है ना, जो मेन सॉकेट मेन बोर्ड जो घर के बाहर लगा रहता है, मतलब दरवाजा के पास या भी जहाँ पे भी बैल्कोनी हुआ कहीं पे लगा रहता है, उस पे देखना क्या रहता है, मेन स्विच एक पोर्शन में रहता है, फ्यूज, मेन स्विच, नहीं नहीं सर, डायग्राम पे, डायग्राम पे जो है इसी डायग्राम पे वो तीन जो छोटे बॉक्स है, स्विच का डायग्राम है, वो स्विच है या फिर वही पूछा था, स्विच या फिर फ्यूज है, क्लोज्ड स्विच लिखा हुआ दिख रहा है क्या सर, वो तो क्लोज्ड स्विच दिख रहा है ना डायग्राम के हिसाब से, तो हाँ स्विच मतलब वही बोलते हैं, मेन स्विच भी रहेगा फ्यूज भी रहेगा, तो प्रॉपर्ली स्विच का फ्यूज है लेकिन इसमें दिखाया नहीं गया सर, हाँ दिखाया नहीं गया, मतलब एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, वही पूछ रहा था सर, फ्यूज है ना वो, हाँ फ्यूज भी है मेन स्विच भी है सब रहता है, ठीक है। ऐसा बॉक्स टाइप का फ्यूज एक बना दो, बगल में एक स्विच दिखा दो, ठीक है, मतलब एक स्कीमेटिक डायग्राम है बस, रिप्रेजेंटेशन है, तो इतना याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मतलब फ्यूज रहेगा, ठीक है ना। तो फ्यूज दिखा दिए, देखो जहां जहां लाइव वायर न्यूट्रल वायर जाए सबके सामने एक फ्यूज दिखा दिए ताकि वो ज्यादा करंट आए मेल्ट कर जाए, यही बस दिखाए। तो दो फ्यूज रहता है एक फ्यूज रहता है, डिपेंड करता है हम लोग घर में कितना डिवाइस चलाएंगे, तो जनरली हम लोग फ्यूज लगा लेते हैं, ठीक है, और रूम पे भी एक फ्यूज लगाते छोटा सा, लेकिन ज्यादातर केस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ही लगाते हैं। इसको बोलते हैं ट्री सिस्टम। देखो दो मिनट इसको नीचे करते हैं। देखो अब क्या है कि फेज वायर टू डिफरेंट रूम इज टेकन फ्रॉम मेन बोर्ड, मेन बोर्ड इज कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड थ्रू अ फ्यूज ऑन द मेन बोर्ड, सब में फ्यूज लगा रहता है, ठीक है ना, और न्यूट्रल और अर्थ वायर कॉमन होता है सर्किट के लिए,
और सारा डिवाइस पैरेलल रहता है, पैरेलल नहीं रहने से क्या दिक्कत है, एक वो लाइट अगर खराब होगा पूरा घर में अंधेरा हो जाएगा, कोई एक डिवाइस खराब हो गया तो पूरा घर अंधेरा हो जाएगा, समझ आया ना। तो पैरेलल लगाने से क्या फायदा है, कोई भी बल्ब खराब हुआ एक पे कनेक्शन है तो बाकी तो जलेगा ना बाकी रूम में, इसलिए पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, समझ में आ गया। और डिसएडवांटेज भी कुछ कुछ है इसका, बताते हैं क्या क्या है। डिसएडवांटेज इसमें यही है कि जो लॉन्ग लेंथ का वायर होता है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको मतलब थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ का वायर चाहिए, मतलब वही बोलना बोलने का मतलब है कि लॉन्ग लेंथ का वायर चाहिए मेन बोर्ड से पूरे घर पे हम लोग को इंस्टॉल करने के लिए। देखना एक तार जो आता है वो बहुत लॉन्ग तार होगा, एक रूम दो रूम तीन रूम सब में जाएगा वो तार। देखना बीट से अगर दो तरह का वायरिंग होता है, या तो देखना दीवार के अंदर से वायरिंग जाएगा, नहीं तो ज्यादातर केस में लोग बाहर से भी लेते हैं, बीट लगा रहता है उस पर या फिर पाइप के थ्रू बाहर से भी लेते हैं, तो वही तार मेन स्विच आया और पूरे घर में घूम रहा है इंस्टॉलेशन करने में, सब में अपना सॉकेट या बोर्ड लगाते रूम सब। थोड़ा सा महंगा पड़ता ऑब्वियसली है ना, महंगा पड़ता थोड़ा सा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और कहीं से तार खराब हो जाता है तो फिर पावर सप्लाई जो होता है वो बदलना पड़ता है, मतलब हम लोग को फिर से चेंज करना पड़ता है, पावर सप्लाई में फिल्टर रहता है, तो यही सब है दिक्कत। लेकिन ये कि कहीं से खराब होगा तो तभी लाइट जलेगा, मतलब एक सर्किट भी खराब हो गया लाइट तभी जलेगा, ये पैरेलल का एडवांटेज भी है। ठीक है, तो ये दिस आर सम डिसएडवांटेज। और फ्यूज लाइन मेल्ट करने से क्या होगा, अप्लायंस होगा वो जो कनेक्टेड रहेगा। सो लास्ट लाइन का मतलब समझाइए ना, क्या कौन सा, when the fuse of a particular line melts it affects all the appliances connected to that circuit, it affects all appliances ka, obviously fuse agar melt ho jayega to appliance mein affect karega na, appliance chalna band ho jayega, refrigerator chal raha hai close ho gaya achanak, tv chal raha hai kuch chal raha hai wo band ho jayega off ho jayega, to melt karne se ek taraf se acha bhi hai aur ek taraf se kya hoga, bar bar fuse ud gaya to hum log light ghar mein andhera ho jata hai fir banana padta hai hum log ko, theek hai, yahi disadvantage diya gaya hai. To this are called your इसको हम लोग बोलते हैं ट्री सिस्टम। ठीक, अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम देखो क्या होता है, रिंग सिस्टम थोड़ा बढ़िया चीज है, बढ़िया मतलब क्या ठीक ठाक है, उसका डायग्राम बताते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा एडवांटेज भी देखेंगे। तो डायग्राम रफली याद रखना, भी समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा मतलब प्रॉपरली एकदम रखना नहीं है इन सब चीजों को, पर अच्छे समझ लेना ही कर अच्छे से एकदम, तो इन सब चीजें बस। तो एक सेकंड हम थोड़ा सा रिंग सिस्टम बताते हैं। रिंग सिस्टम हम लोग के घर में ट्री सिस्टम का यूज होता है, ठीक है ना, एक सेकंड को सिस्टम। हाँ देखो यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके दिखाते हैं, जितना पढ़ाया उसका सवाल वाल बनाओ घर में तो भूल जाओगे सब, अच्छे से पढ़ो पढ़ो जो पढ़ाए हैं। ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान है बहुत, बस सॉल्व करना अच्छे से प्रॉब्लम सर। यहाँ से देखो रिंग सिस्टम, थोड़ा छोटा सा ये ज्यादा इसमें नहीं कुछ, सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखो रिंग सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, रिंग फॉर्म्ड होता है इसमें, है ना, इट कंसिस्ट ऑफ रिंग फॉर्म्ड बाय ऑल थ्री वायर्स, फेज, न्यूट्रल और अर्थ, एंड रन्स थ्रू ऑल द रूम्स एंड कम बैक टू द मेन बोर्ड। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रिंग फॉर्म्ड बाय ऑल द थ्री वायर्स, और उसके बाद क्या होता है ना कि हम लोग के मतलब एक रिंग फॉर्म होता है, ठीक है, फेज वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर का, और फिर वापस हर एक रूम पे जाने के बाद ये वापस मेन बोर्ड पे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इच अप्लायंस जो है उसको हम लोग
कनेक्ट करते हैं इस रिंग से, एक रिंग बनता है, मतलब गया फिर से वापस आया, मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ऑफ ऑल द वायर विल बी सेम। तो अप्लायंस जो होता है वो इस पे क्या होता है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है अप्लायंस विच आर लाइकली टू गेट शॉर्ट सर्किट आर प्रोटेक्टेड बाई फ्यूज नियर द अप्लायंस, तो फ्यूज लगा रहता है अप्लायंस के पास, उससे शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इसमें एडवांटेज क्या है कि इस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट और सस्ता है, मतलब एज कम्पेयर टू ट्री, एज वन रिंग फिट्स द एंटायर हाउस, एक रिंग पूरे हाउस को फिट कर देगा। और इसमें क्या होगा कि तार का जो लंबाई है थोड़ा छोटा लगेगा, क्योंकि एक मान लो मेन स्विच से लगा रहे हैं वापस वहीं पे घूम के आ रहा है तीनों वायर, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इंडिविजुअल फ्यूज जो होगा, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि हर एक अप्लायंस के साथ एक इंडिविजुअल फ्यूज लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा एक तरह का ड्रॉबैक भी है। और एक फॉल्टी ये भी है कि अप्लायंस वर्क नहीं करेगा अगर कोई, मतलब अप्लायंस will not work and all the other appliances will not be affected, मतलब अगर क्या होगा किसी पे फॉल्टी हो गया अप्लायंस पे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, और बाकी तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक ही नहीं करेगा क्योंकि फ्यूज उस पे लगा हुआ है, तो फ्यूज फॉल्ट हो गया बाकी सब करेगा तब भी। और ये क्या हो जाएगा, इट इज इजियर टू इंस्टॉल, थोड़ा इजी है इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना इजी है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सस्ता है। मेरा सारे साल फोन है 40, तो इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होगा, थोड़ा इजी एज कम्पेयर टू ट्री सिस्टम। इसका डायग्राम थोड़ा देख लो कैसा बनेगा, देखो ये ठीक है, नहीं जा रहे बाहर जा रहे क्या, इतना दूर, हाँ ये तो लैपटॉप पर करता है, अच्छा है इसमें, ठीक है दिख रहा ना। तो यहाँ पे देखो एक टेबल फैन लगा हुआ है, यहाँ पे एक पावर सॉकेट लगा हुआ है, देखो तीन वायर गया मेन पावर सप्लाई, अब यहाँ से पूरे रिंग टाइप का बना रहा है, और इसमें एक अप्लायंस यहाँ लगा दिए फ्यूज लगाने के बाद एक वायर यहाँ लगा दिए, एक सब पावर सप्लाई यहाँ लगा दिए फ्यूज लगाने के बाद, एक टेबल फैन यहाँ पे लगा दिए हैं या मेन फ्यूज है, ठीक है, इट इज काइंड ऑफ रिंग, मतलब रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये बस यही अंतर, और क्या हम लोग घर में क्या क्या लगता है बोलो, रिंग लगता है कि ट्री लगता है, क्या लगता है तुमको, ट्री ट्री लगता है क्या घर में, मतलब हम लोग घर में ट्री कनेक्शन लगता है कि रिंग कनेक्शन, ट्री कनेक्शन, ट्री कनेक्शन लगता है, रिंग नहीं लगता है क्या सर, अभी तो आप बोले, पता नहीं, अच्छा हम बोले तुम सोच के बोलो अपना, लगवा सकते हैं, इसकी कमिंग इन कौन लगवाएगा, हर एक हम दोनों कनेक्शन समझा दिया ना, मतलब दोनों लग सकता है ऐसा नहीं कि, लेकिन क्या जनरली लगता है हम लोग घर में बोलो, ट्री सिस्टम, ट्री लगता है क्योंकि रिंग में एक जैसे अगर फॉल्ट होगा तो पूरा कनेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। क्या रुको, तुम आवाज नहीं आ रहा, बोलो जोर से एक बार। ट्री लगता है क्योंकि रिंग लगेगा तो पूरा, एक जगह भी कहीं फॉल्ट होता है तो पूरा कनेक्शन में फॉल्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब एक जगह से फॉल्ट नहीं होता है, अगर हम बोले फ्यूज में फॉल्ट ही रहेगा तो डिवाइस अफेक्टेड होता है, वो बोले मतलब डिवाइस अफेक्टेड हो जाएगा फ्यूज की वजह से, ठीक है, क्योंकि फ्यूज तो इधर ऐसा लगाया ना तो यहाँ पे जाकर रुक गया, बाकी इधर से पार हो ही रहा है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक से पढ़ो, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ओनली फॉल्टी अप्लायंस विल नॉट वर्क एंड ऑल द अदर अप्लायंस विल नॉट बी अफेक्टेड बोला है, मतलब वो अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं, तुम थोड़ा उल्टा बोल दो उसको, ये देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ओनली फॉल्टी अप्लायंस विल नॉट अफेक्ट वर्क एंड ऑल द अदर अप्लायंस विल नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि उसके पहले ऐसा एक फ्यूज लगा है और तार ऐसे जा रहा है तो ये नहीं काम किया, लेकिन आगे तो कर ही रहा है ना, फिर यहाँ कुछ लगा ये तो करेगा ही, वो तो नहीं है, ठीक है, तो किस तरह का लगेगा, इन आवर हाउस विच टाइप ऑफ वायरिंग इज यूज, मतलब विच टाइप ऑफ क्या बोलते इसको, रिंग सिस्टम इज यूज, रिंग सिस्टम और ट्री सिस्टम, ऐसे दोनों लग सकता है, ठीक है। क्या बोल रहे हो, कैसे पता चलेगा, हेलो
बोलो बोलो, आवाज आ रहा है ना? बोलो आवाज आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रहा है, आ रहा है ना? तो हम देखो, अब दोनों दोनों लग सकते हैं ना, डिपेंड करता है कि हम लोग मतलब किसको यूज करेंगे। ऐसा नहीं है दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, हम लोग ट्री सिस्टम भी लगा सकते हैं और रिंग सिस्टम भी लगा सकते हैं। यही रिंग थोड़ा महंगा पड़ता, ट्री थोड़ा महंगा पड़ता है हम लोग को इंस्टॉलेशन में, और रिंग जो है थोड़ा सस्ता पड़ेगा। दोनों का अपना अपना एडवांटेज बता दिए क्या होगा, दोनों का अपना डिसएडवांटेज बता दिए क्या हो जाएगा, ठीक है? तो जनरली रिंग सिस्टम थोड़ा कन्वीनियंट है घर उड़ के लिए, थोड़ा सा कन्वीनियंट है, सस्ता है। हम लोग जब ऑफिस वगैरह देखते हैं बड़ा बड़ा, तो उसमें होता है क्या कि ट्री सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा महंगा होता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अदरवाइज रिंग सिस्टम भी घर के लिए ठीक ठाक काम करता है, ठीक है? तो जनरली पुराने जमाने से मतलब क्या बोले उसको, बहुत दिनों से रिंग सिस्टम। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग सिस्टम? डिसएडवांटेज रिंग सिस्टम का यही है कि रिंग सिस्टम थोड़ा सा मतलब जो जिसको क्या बोलते हैं, एज कंपेयर टू ट्री सिस्टम करेंगे, एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी मतलब तुमको इस तरह समझा सकते हैं कि बेटर, जैसे कि पावर कम होता रहेगा, पावर कम होता रहेगा, मतलब एफिशिएंसी को होती है पावर के टर्म में बोल सकते हो, वो थोड़ा रिंग सिस्टम में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्री सिस्टम, ठीक है ना? मतलब एफिशिएंसी थोड़ा ज्यादा है, फिर हीटिंग थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम थोड़ा सा है, ठीक है? ये सब प्रॉब्लम थोड़ा सा है इसमें रिंग सिस्टम पे, ठीक है? अदरवाइज उसमें और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और डिसएडवांटेज सही है इसका। तो दोनों अपने अपने तरीके से काम आता है, ठीक है? जनरली हम लोग रिंग सिस्टम घर के लिए यूज करते हैं और ट्री सिस्टम भी करते हैं, लेकिन छोटा सा कोई स्पेस होगा तो उसके लिए रिंग सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है? तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम पड़ता है इसीलिए। अच्छा, अब बात करते हैं स्विच क्या, स्विच क्या होता है, सॉकेट क्या होता है, इन सबका प्लग क्या होता है, ठीक है? समझ में आ गया, ये सब का बात करेंगे। देख लो एक बार, रीडिंग कर लो, कोई डाउट तो बोलो, ऊपर कर दो स्क्रीन एक बार, पढ़ा इसको देख लो अच्छे से पॉइंट सर, थोड़ा सा ही है इसमें है, इसको देख लो एक बार। ठीक है, देख लो। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी थोड़ा खराब होता है, मतलब लो होता है कंपेयर टू योर फ्री सिस्टम, ठीक है? याद रखना, बाकी तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक ठीक ठीक, कोई डाउट है बोलो, यहां तक देख लिया सब लोग? नो सर, मेरा कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना है ना? बोलो कुछ पूछना है तो बोलो। चलो ठीक है तब, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्विच के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, स्विच क्या होता है। तो सभी लोग स्विच के बारे में सुने हो, स्विच, उसके बाद सॉकेट के बारे में सुने हो, हमेशा सुनते रहते हो घर में, सॉकेट प्लग के बारे में सुनते हो, ठीक है? कुछ कुछ कलर कोडिंग होता है वायर का, उसके बारे में सुनते हो, पावर ट्रांसमिशन के बारे में सुनते हो, ये सब टर्म कहीं ना कहीं सुने हो। स्विच एक डिवाइस होता है जो कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, मतलब स्विच इज अ काइंड ऑफ डिवाइस जो हम लोग कनेक्ट या डिसकनेक्ट करते हैं कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, तो वो एक लीवर टाइप होता है, उसमें मशीन टाइप का होता है छोटा सा लीवर टाइप, ठीक है? उसको हम लोग लाइट, फैन, हीटर, इन सब में लगाते हैं, देखना एक स्प्रिंग अंदर रहता है, एक छोटा सा मशीन एक्चुअली, वो लीवर सिस्टम बोलते हैं उसको, है ना? उसमें ऑन ऑफ कभी कनेक्ट रहेगा, कभी डिसकनेक्ट हो जाएगा, उसमें एक कॉपर का छोटा सा प्लेट होता है, स्प्रिंग लगा रहता है, तो इट इज वर्क लाइक अ लीवर, लीवर सिस्टम मतलब मशीन, काइंड ऑफ मशीन, इसको हम लोग बोलते हैं स्विच, ठीक है? स्विच, सॉकेट, उसके बाद इस तरह बोला जाता है सॉकेट प्लग, तो इन सबको बताए थे थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ठीक है? डायग्राम बताए थे स्विच का, स्विच का हम डायग्राम बता दे रहे हैं, ठीक है ना? देखो ये सब पढ़ा दिए, अच्छे से याद रखना, ये सब क्वेश्चन मतलब ऐसे बोर्ड में तो बहुत कम आता है, लेकिन ठीक है कभी आएगा तुम लिख सकते हो। जनरली बहुत इस तरह सर्किट विकेट तुम कभी नहीं पूछेगा, ट्री सर्किट,
ईयरिंग सिस्टम, बट हाँ जानकारी के लिए। और कोई अच्छा एग्जाम दोगे तो पूछ सकता है कुछ उसमें थोड़ा बहुत इसका रिलेटेड क्वेश्चन, बट टेंथ के बोर्ड में इस सवाल उतना नहीं पूछेगा, ठीक है ना। उसमें फ्यूज पूछ सकता है, बट सॉकेट उकेट सब उतना नहीं पूछता है, बट ठीक है तुमको जानना है नॉलेज के लिए हम तुमको बता दिए सारा कुछ, ठीक है। ओके चलो एक चीज और पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, उसको देखना, स्विच का डायग्राम है। तो घर में एक काम बस करना, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, तुम एक बस जो समझा रहे उसका शॉर्ट नोट्स टाइप का पॉइंट वाइज लिख लेना और डायग्राम सबका क्लियरली समझ लेना, बना लेना एक बार, बस यही करना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, और पूरा चैप्टर को रिवाइज करो एक सप्ताह में, क्योंकि इसका टेस्ट लेंगे तो सभी का मार्क्स भी अच्छा आना चाहिए। हाँ देखो इधर ये हो गया तुम्हारे को, इसको बड़ा कर देते थोड़ा, एक सेकेंड रुको, छोटा सा आ गया पेस्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये दिख रहा होगा स्विच का डायग्राम, इसको अनवांटेड नोट्स नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है ना। नोट्स रहेगा तुम्हारे पास, तुम बस पॉइंट लिख लेना देख के अच्छे से समझ के, पीडीएफ ले लेना सर से, अभी लिखो मत, क्लास के जस्ट बाद सब लोग पीडीएफ ले लेना, ठीक है। लेकिन लिखना जरूर, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा, तो फिर तुम बाद में पढ़ोगे नहीं, और इसलिए पढ़ लेना एक बार अच्छे से इसको। चलो ये स्विच हो गया, ठीक सर। हाँ बोलो सर, शुरू से दिखाइए ना, अभी ज्वाइन किए हैं। अभी ज्वाइन किया, एक घंटा बाद क्यों ज्वाइन करता है? सर क्लास चल रहा था मेरा ऑनलाइन। क्या चीज का? ये हिस्ट्री का चल रहा था। हिस्ट्री का क्लास कहाँ करता हूँ, स्कूल में? सर ऑनलाइन चल रहा था। हिस्ट्री का भी ऑनलाइन क्लास होता है? यस सर। वाह, हिस्ट्री का क्लास कौन करता है ऑनलाइन में, उसको किताब से पढ़ो सर, कोई बात सर करवाते हैं ना, इसलिए करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा बात है, वेरी गुड। बट ये फिजिक्स छोड़ देगा तो कैसे काम चलेगा बोलो, डेली तुम लेट से आते हैं सर, टाइम टेबल नहीं मिला था ना इसलिए। ओ देखो देखो ऊपर कर देते हैं, बता दिए हैं, थोड़ा सा लिखवाए नहीं कुछ, ये पढ़ाए थे अभी अर्थिंग पढ़ाए थे, ठीक है ना। अर्थिंग समझा दिए थे, क्या होता है कि कोई भी जो करंट होता है उसको हम लोग अर्थ की तरफ भेजते हैं, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ हम लोग क्या करते हैं, करंट अर्थ की तरफ ड्रॉन होता है, इसी प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं। इसके लिए किसी मेटलिक वायर को, जैसे कि कॉपर है या फिर मेटलिक प्लेट को, जमीन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है नमक और उसमें चारकोल मिला जाता है ऊपर से। नमक क्या करता है, आयनिक बिहेवियर का होता है, इसलिए रेजिस्टेंस को लो करता है, और चारकोल मॉइस्चर को मेंटेन करता है। तो अर्थिंग करने से फायदा यह है कि हम लोग किसी भी मेटलिक एलिमेंट को छुएंगे, टच करेंगे अपने घर में, जैसे कोई रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर कोई मेटल केसिंग हो गया, तो हम लोग के शरीर से करंट फ्लो नहीं करेगा, उस अर्थिंग की वजह से वो डायरेक्ट अर्थ पे चला जाएगा तार के थ्रू, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थिंग। तो इसका नोट से देख लेना एक बार, पीडीएफ लेके सर से लिख लेना घर में अच्छे से। फिर बताए हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब घर में किस तरह हम लोग का सर्किट डिस्ट्रीब्यूट हो, दो तरीके का होता है, एक होता है रिंग और एक होता है ट्री। तो पहले ट्री बताए थे, ट्री में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ पे मेन स्विच, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं, मेन स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, ये सब लगा रहता है। तीन तरीके का वायर होता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर मतलब इसमें करंट फ्लो करे, करंट जाता है इसके थ्रू, न्यूट्रल वायर मतलब जो न्यूट्रल होता है, अर्थ वायर मतलब अभी बताया जिसमें अर्थिंग का काम करता है। तो यहां से क्या दिख रहा है, तीनों तार जो होता है वो अलग 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 रूम पे इस तरह जा रहा है, रूम वन रूम टू, डिफरेंट डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ट्री सिस्टम। ये थोड़ा महंगा सिस्टम है, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, और इसके अलावा इसपे क्या होता है कि ये बड़े से स्पेस के लिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तार ज्यादा लगता है इसमें खर्च। दूसरा होता है रिंग सिस्टम, छोटे से स्पेस में यूज करते हैं, जैसे छोटे जैसे घर में हो गया, घर में हम लोग ट्री भी कर सकते हैं। इसपे क्या होता है कि मेन स्विच से तार शुरू होता है, तीनों वापस मेन स्विच पे खत्म होता है आके, और एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करते हैं इस रिंग से। जैसे देखो यहाँ पे कनेक्ट किया गया, फिर यहाँ कनेक्ट किया गया, फिर यहाँ कनेक्ट किया गया, यहाँ कनेक्ट किया गया, और सब में अपना एक फ्यूज लगाते हैं इंडिविजुअल, ये सब फ्यूज लगा दिए हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि
अगर ये डैमेज होगा फ्यूज तो ये वायर ये वाला डिवाइस नहीं चलेगा, बट आगे का चलेगा, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक ये है कि मतलब थोड़ा सा इसमें एफिशिएंसी जो है वो मतलब लॉन्ग लाइफ एज कम्पेयर टू ट्री सिस्टम ये थोड़ा सा वीक है, ठीक है। इसके बाद स्विच बता रहे थे अभी जस्ट तुम जब आए। तो स्विच क्या होता है, स्विच एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है कनेक्ट या डिसकनेक्ट करना कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, डिसकनेक्ट करना या फिर कनेक्ट करना। ये एक लीवर स्टेप्स लीवर टाइप होता है, लीवर टाइप मतलब मशीन होता है छोटा, ठीक है। लीवर टाइप का मतलब मशीन, लीवर टाइप का मतलब होता है मशीन टाइप का, मतलब कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग इसका काम करेगा। एक उसमें ये रहता है स्प्रिंग रहता है अंदर, इस तरह कुछ कुछ रहता है, ठीक है ना। देखो डायग्राम दिखाया गया है। और हम लोग इसको लाइट फैन हीटर इन सब में यूज करते हैं, समझ में आया ना। कभी स्विच खोल के देखा ही होगा कि अंदर देखना ऐसा स्प्रिंग टाइप का रहता है, कनेक्शन डिसकनेक्शन के लिए इस तरह प्लेट बना रहता है। तो स्विच एक पुश स्विच जैसा होता है, वो कॉलिंग बेल पे हम लोग यूज करते हैं ऐसे पुश स्विच। देखे हो पहले जमाने में ज्यादा यूज होता, अब तो उस पर भी स्विच आने लगा है। जैसे अभी भी हॉर्न जो होता है गाड़ी का, है ना, उसको इस तरह हम लोग पुश करते तो बचता है, उसी तरह का मान लो। पुश स्विच का मतलब ऐसा कोई डिवाइस जिससे कॉलिंग बेल हो गया। एक होता है सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेयरकेस लाइट्स के लिए जो यूज होता है, स्टेयरकेस लाइट्स के लिए जो यूज होता है, ठीक है। एक होता है स्टेयरकेस बल्ब, कैन बी स्विच्ड ऑन ऑफ आइदर ऑफ फर्स्ट फ्लोर और द और फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्विच का यूज करते हैं हम लोग। फिर द सेम स्विच इज यूज नियर द रूम इन अस एंड नियर द बेड, सो दैट वी कैन स्विच ऑन द लाइट एज वी एंटर द रूम एंड स्विच ऑफ व्हेन वी गो टू बेड। मतलब एक ही रूम पे हम लोग दो स्विच कनेक्ट करते हैं, हम लोग बोर्ड में लगाते हैं, रूम के पास लगाते हैं, ताकि हम लोग आसानी से इसको लाइट ऑन ऑफ कर पाए। तो ये बहुत सारा फंक्शन है स्विच का। स्टेयरकेस टाइप स्विच जो होता है उसको दिखाया गया डायग्राम पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइव वायर कनेक्ट करते हैं लाइव वायर से हमेशा, और न्यूट्रल वायर से कनेक्ट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली लाइव वायर में तार जाता है। देखो ये अभी ऑफ पोजिशन पे है, ठीक है, अब ये ऑन पोजिशन पे हो गया है, और ये क्या हो जाएगा, फिर से ऑफ पोजिशन पे है। समझ में आ रहा है ना, डायग्राम तो उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक सिस्टम इस तरह लीवर सिस्टम टाइप का रहता है, ठीक है ना। मतलब जस्ट रफली डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे। तुम अगर इसको सर्किट पे दिखाओगे ना तो तुमको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे जो डायग्राम है ना, इस जगह पे देखो ऐसा दिख रहा है ना, ये ऑफ है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा ये वाला हट गया है, कि ऑन है, फिर से वापस यहाँ दिख रहा है ना, मतलब ये ऑफ है, फिर ये ऑन हो गया, फिर यहाँ पे देखो ऑफ हो गया, ये गायब है यहाँ से, यहाँ पे ये गायब था। तो ऐसा दिखाए हैं बस, लेकिन ऐसे भी दिखा सकते हो तुम स्विच इस तरह। ये है अभी ऑफ, फिर ऐसे कर दोगे तो ऑन, ठीक है, इस तरह है, इस तरह समझ लो कि ऑफ है अभी, और ऐसे कर दोगे तो ये इसको ऊपर इसको क्लैंप कर दोगे तो हो जाएगा ऑन। तो स्विच का काम यही होता है, समझ में आ गया, स्विच का ही काम होता है। तो फॉर सेफ्टी रीजंस के लिए लोग क्या करते हैं, स्विच को किसी न्यूट्रल, स्विच को हम लोग एक सॉकेट मतलब एक बोर्ड पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और कोई भी हम लोग अप्लायंस को स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिसका कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है। उसके बाद हम लोग स्विच में बेसिकली कवर करते हैं इंसुलेटर से, ठीक है ना, इंसुलेटर से कवर करते हैं, प्लास्टिक का या फिर फाइबर का या फिर नॉन मेटल का स्विच बनाया जाता है बेसिकली। और ये क्या करता है, फेटल नहीं होने की वजह से प्रॉपरली, मतलब एक तरह का बोला जाए तो जो ये है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कनेक्शन जब स्विच बोर्ड में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग वेट हैंड से भी अगर टच कर देंगे तो ऐसा कोई इलेक्ट्रिक शॉक हम लोग को नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर को जनरली कवर करते। कभी कभी क्या होता है, घर पे गलती से वेट हैंड, मतलब कोई भी हाथ नॉर्मल भींगा हुआ हाथ है, ठीक, खाना खा रहे हैं या फिर हाथ में पानी है, हम लोग स्विच ऑन ऑफ कर दिए, तब भी हम लोग शॉक से बच जाते हैं, क्योंकि काफी प्रॉपरली इंसुलेटेड रहता है वो, लकड़ी या फिर लकड़ी तो नहीं रहता, नहीं प्लास्टिक का रहता है, देखिए प्लास्टिक का, और एक बोर्ड पे प्लास्टिक बोर्ड पे लकड़ी बोर्ड पे फिक्स रहता है वो, ठीक है ना। तो ये होता है स्विच का काम, बेसिकली इट इज अ वर्क लाइक इट इज वर्क फॉर एनी अप्लायंस फॉर कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग, दैट्स इट। इट इज वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर सिस्टम, एक लीवर सिस्टम की तरह काम करता है, कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग इसको बोलते हैं। फिर होता है सॉकेट,
सॉकेट के बारे में सब लोग सुना होगा। सॉकेट्स क्या होता है? सॉकेट आर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम वेयर वी ड्रॉ पावर टू मूवेबल इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक रेडियो, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एटीसी। सॉकेट सब लोग देखे हो, ऐसा दिखता है ना, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा ऐसा रहता है प्लग टाइप का। और मतलब एलिमेंट्स क्या होता है, सॉकेट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर वी ड्रॉ द पावर मूवेबल इलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ पे ऐसा सॉकेट लगा रहता है ऐसा बोर्ड, रुको देखो देखो डायग्राम ये बना, ऐसा बोर्ड रहता है और इस तरह देखना, और एक पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड देखो, ऐसा सॉकेट रहता है सबके घर में होगा, ऐसे यहाँ पे इस तरह होल रहता है थ्री, एक लाइव एक न्यूट्रल एक अर्थ वायर के लिए, कभी कभी टू पिन सॉकेट रहता है जिसमें दो प्लग रहता है, यहाँ से इस तरह तार, कोई भी डिवाइस का तार होता है अपना, ऐसा एक प्लग होता है, ऐसा प्लग टाइप का होता है जिसमें भी तीन ऐसे एंड होता है, फिर इसको हम लोग जस्ट इंसर्ट करते हैं, फिर कभी कभी इसमें टू प्लग टाइप का होता है, ठीक है। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं सॉकेट, एक तार होता है ऐसा प्लग टाइप का होता है ना प्लग, कभी कभी ऐसा टू एंड वाला तार होता है ऐसा, इस पे इस तरह टू एंड रहता है, ठीक है, इस तरह का। सर बोलो बोलो, आयरन का जो सॉकेट रहता है उसमें तीन पिन रहता है ना? हाँ, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। उसको पहचानेंगे कैसे? पहचानोगे कैसे, जो जो ऊपर रहता है एकदम वो रहता है तुम्हारा न्यूट्रल, मतलब जो मोटा वाला रहता है जब लंबा सा, वो अर्थ रहता है कि न्यूट्रल रहता है? ये रहता है अर्थ, सॉरी न्यूट्रल, बड़ी अर्थ रहता है, ये रहता है यहाँ पे ऐसा दो रहता है ना, एक लाइव एक न्यूट्रल और एक अर्थ। तो लाइव में देखना कभी ध्यान से पढ़ोगे ना, उसमें प्लग में से एल लिखा रहता है छोटा सा, और इधर एन लिखा रहता है, कभी पढ़ोगे तो, नहीं भी लिखा रहता है बहुत बार, उसको टेस्टर देखना, मैकेनिक के पास होता है, इलेक्ट्रिशियन के पास, घर में भी होता है। Yes, sir. तो टेस्टर को तुम इसमें डालोगे ना, इस स्विच के मतलब सॉकेट के अंदर, तुम्हारा वो लाइट जल जाएगा अंदर। तो टेस्टर का काम इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है चेक करना, ठीक है, तो टेस्टर के थ्रू चेक करते हैं। तो इसमें देखना मतलब, तो करना मत कभी सब काम कभी, ठीक है ना, ये सब काम करना नहीं, इसमें बहुत ही रिस्की काम है सर, इसलिए बस पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना बिल्कुल। तो सॉकेट का, सॉकेट में लिखा रहता है वोल्टेज ज्यादा रहता है उसमें और करंट कम रहता है? हाँ डेफिनेटली, हर एक सॉकेट का अपना, जैसे का वोल्टेज बढ़ा देंगे तो, जैसे देखो जैसे सॉकेट होता है ना, मान लो आयरन है, तो आयरन बहुत हाई वोल्टेज पे काम करता है, उसका अच्छा खासा पावर यूटिलाइज होगा। फिर हीटर जो है उसमें भी देखना थोड़ा सा, उसका भी अपना कैपेसिटी होता है, तो उसी हिसाब से सॉकेट को भी डिजाइन किया जाता है। हम लोग ये नहीं करेंगे कि छोटा सा एक सॉकेट में कोई मोटर चला दिए बिजली का, तो क्या होगा, सॉकेट उड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। उतना मतलब सभी के बेसिस पे जितना पावर मतलब जितना वोल्टेज दे रहे हैं मैक्सिमम, उस हिसाब से सॉकेट का भी डिजाइन करेंगे। फ्रिज का सॉकेट थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, मोटर का सॉकेट थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, यही टीवी वीवी का सॉकेट छोटा सा रहता है तीन प्लग वाला, ऐसा लैपटॉप भी सॉकेट से चल जाएगा काम। तो डिपेंड करता है, सॉकेट एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसको हम लोग, और बिगर होल जो होता है टॉप में वो क्या बोलता है, अर्थ बोलते हैं उसको, अर्थ टर्मिनल। देखो ये जो बिगर होता है ना, ये होता है, अच्छा पहचानने का तू बोल रहा था ना, देखो ऐसे पहचान सकता है, तो जो सबसे बिगर होल है वो होता है अर्थ टर्मिनल, ठीक है। अच्छा लाइव टर्मिनल क्या होता है, इसके राइट पे, राइट पे बोलोगे तुम, मान लो ये मेरा राइट है, हम पढ़ा रहे तो ये मेरा राइट है, तो ये लाइव हो जाएगा यहाँ, ठीक है, मेरे हिसाब से ये राइट है, और तुमको स्क्रीन में पता नहीं क्या दिख रहा होगा, तुमको स्क्रीन में जो दिख रहा होगा अपना राइट को तुम मान लो ये क्या बोलते हैं लाइव, ठीक है ना, राइट को तुम मान लो लाइव वायर, और लेफ्ट को तुम मान लो न्यूट्रल वायर, ठीक है ना। तो ऐसे पहचानना, हाँ अब समझ में आ गया ना, तीन सॉकेट को पहचानो कैसे, थ्री पिन सॉकेट को ऐसे पहचानोगे, ये दिस इज योर अर्थ, अगर ये मेरा राइट है तो दिस इज योर लाइव, अगर ये मेरा लेफ्ट है तो इट इज योर न्यूट्रल, ठीक है ना। ये होता है सॉकेट, कभी कभी दो सॉकेट भी होता है, तो उसमें कोई छोटे मोटे डिवाइस में दो सॉकेट होता है, जैसे आयरन में तीन सॉकेट होगा, लैपटॉप के चार्जर में तीन सॉकेट होगा, बट छोटा सा कोई भी तुम्हारा चार्जर है फोन का, उसमें देखना कभी तीन सॉकेट कभी दो सॉकेट, तो डिपेंड करता है। तो जनरली तीन होना चाहिए, और छोटा सा पावर जिसमें वोल्टेज बहुत कम रहता है ना, मतलब छोटा सा डिवाइस के लिए जनरली टू सॉकेट में भी काम चल जाएगा, कोई भी चार्जर देखना तुम घर में बहुत सारा मिलेगा, दो सॉकेट वाला, दो पिन वाला प्लग, उसका प्लग, एक सेकेंड रुको कहाँ गया ये प्लग, नीचे है ना, स्विच हो गया ना, उसके बाद सॉकेट भी हो गया, फिर प्लग है, सब घर में पढ़ लेना एक बार, ठीक है, रीडिंग बस कर लेना आराम से एक बार, और बाकी जो पढ़ाई मॉड्यूल कब मिलेगा सर, क्या
सर मॉड्यूल कौन सा डेट को मिलेगा? मैं सुना था कि हार्ड कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं ऑफिस से. मॉड्यूल नहीं मिला है करंट का? नो सर. करंट का मॉड्यूल नहीं मिला तुम लोग को? सर तो बोले दे दिए हैं. क्या किसी को नहीं मिला करंट का मॉड्यूल? सर एक मिला हुआ था उससे पहले अरी टालू को मिला होगा सर. तो नहीं मिला तो सर विशाल से मांगना ना, बोलना करंट का मॉड्यूल दीजिए. ठीक है ना सर? मिल गया, मिल गया ना? तुमको नहीं मिला होगा? तो मिल गया था. अच्छा करंट का सॉफ्ट कॉपी ले लेना पीडीएफ में और इसको पूरा पढ़ना. इससे सवाल सबका होमवर्क देंगे. रुको कल पर नेक्स्ट क्लास में. अभी तो पूरा बना सर, वो पहला क्लास में मिला होगा. वो फर्स्ट फ्लोर में था, 10th का. मैं ग्राउंड फ्लोर पे था. ओ ठीक है, तो मांग लेना, मिल जाएगा. ठीक है. क्या होता है प्लग का मतलब? होता है इट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ सॉकेट व्हिच इज केप्ट एज इनपुट टर्मिनल. जानती हो प्लग क्या समझाएगा? प्लग में दो ऐसे पिन, ऐसा पिन टाइप का रहता है. कभी थ्री पिन प्लग रहता है. थ्री पिन में एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल, राइट वाला, लेफ्ट वाला क्या होगा? लेफ्ट वाला होगा तुम्हारा न्यूट्रल, राइट वाला हो जाएगा लाइव, और ऊपर वाला होगा अर्थ. ठीक है ना? तो प्लग जो होता है वो अवेलेबल होता है डिफरेंट अप्लायंस के लिए. 5 एम्पियर से लेकर करंट 15 एम्पियर तक का करंट जिसमें ड्रॉ करेगा उस हिसाब से प्लग बनता है. पतला प्लग या फिर बहुत ही तीन प्लग वाला प्लग, फ्रिज का होता है, मोटर का होता है. तो डिपेंड करता है कि सॉकेट में किस तरह हम लोग काम करेंगे. अब कलर कोड ऑफ वायर कैसे जानोगे? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कैसे पहचानोगे कौन सा लाइव वायर है और कौन सा न्यूट्रल वायर है? अब तुमको मान लो पहचानना है कि कौन सा लाइव वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर है. तो यहाँ पे याद रखना, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होता है ना, उसको हम लोग किसी स्टैंडर्ड पे बांटते हैं. जो ओल्ड कन्वेंशन जो था, आजकल नया में बदल गया है. ओल्ड कन्वेंशन में लाल कलर का वायर को यूज करते थे लाइव वायर के लिए. ठीक है, समझ रहा है ना? बोलो. नहीं समझ रहा है? Yes, sir. लाल कलर को यूज करते थे, ऐसा रेड कलर को. इट इज यूज्ड लाइव वायर ओल्ड में. ठीक. और ब्लैक को यूज करते थे हम लोग न्यूट्रल के लिए. ब्लैक को यूज करते थे हम लोग न्यूट्रल के लिए. ब्लैक इज यूज्ड एज न्यूट्रल. एक सेकेंड रुको. तो हेलो. यस सर. अस्ति अस्ति क्लास नीचे. ठीक है सर. तो ये हो जाएगा ब्लैक वाला को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल. ठीक है ना? ये ब्लैक जो है वो न्यूट्रल है. तो ब्लैक को याद रखना न्यूट्रल ही. पुराना जमाने में ओल्ड कन्वेंशन है, अभी बदल भी गया है. अभी देखना दुकान में जाके तार खरीदना और या घर में भी, घर में कोई लाइव वायर को टच मत कर देना, करंट लग जाएगा. एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं. ठीक है, किसी को एक्सपेरिमेंट नहीं करना करंट में. समझ रहे हो ना? नहीं तो रोस्टेड चिकन बन जाओगे फिर. ये देखो लाइव वायर हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, और ग्रीन कलर कौन सा वायर है? ग्रीन कलर का बोलते हैं अर्थ वायर. ठीक है ना? तो ये पहले जमाने में यूज होता था, इट इज अ ओल्ड कन्वेंशन. और नए जमाने में तार सब में अभी क्या दिखता है हम लोग को? तो ये तीनों कलर क्या रहेगा? और नए जमाने में दिखता है हम लोग को अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसमें हम लोग को ब्राउन कलर का देते हैं जनरली. ठीक है, न्यूट्रल को लेते हैं लाइट ब्लू, अर्थ को लेते हैं ग्रीन और येल्लो. तो ब्राउन कलर का लेते हैं क्या? ब्राउन डार्क येल्लो, ये कोई भी ब्राउन कलर का, मतलब दना नहीं रहे, कलर नहीं मिल रहा ब्राउन कलर. ठीक है, याद रखना. तो ब्राउन कलर का हो गया. उसके बाद इस कलर का हम लोग जनरली ऐसा. ठीक है, ब्लैक वायर, न्यूट्रल वायर, सॉरी न्यूट्रल वायर बोलते हैं, मतलब ब्राउन कलर का लेंगे हम लोग लाइट वायर, न्यूट्रल वायर लेंगे हम लोग लाइट ब्लू कलर का, और अर्थ वायर लेंगे हम लोग ग्रीन कलर का. ठीक है ना? ये हम लोग का नया कन्वेंशन है. तो सर इसके एग्जाम में पूछा जाता है कि ओल्ड कन्वेंशन में क्या लेते थे, न्यू में क्या लेते थे, याद रखना है सब बात. ठीक है ना? समझ में आ गया होगा. पावर ट्रांसमिशन के बारे में बताते हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे, 2 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे. तो पावर ट्रांसमिशन क्या होता है मेनली? पावर ट्रांसमिशन बोलो सर. ये ट्यूबलाइट को अगर पावर ट्रांसमिशन, ये जो तार जाता है घर से लेकर यहाँ तक, उसके बीच में लगा देंगे तो अपने आप जल जाएगा. ट्यूबलाइट को कहाँ लगा देंगे?
वायर्स के नीचे, वायर लाइन के नीचे फ्यूज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा पावर बहुत। हाँ मतलब ऐसे नहीं लगा सकते ना, मतलब वो सॉकेट के थ्रू आना चाहिए, सॉकेट पे फिर पावर का लिमिटिंग रहता है। ऐसे लगा देंगे जलेगा क्यों नहीं, जल जाएगा। जैसे कि मेला वाला लगता है, दुर्गा पूजा वूजा होता है जब, देखे हो ना, तो रोड में लाइट क्या तार खींच लेता है, खींच के सब हैलोजन वगैरह लगा देता है मेन पावर लाइन से, जलता ही है क्यों नहीं जलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत हाई पावर का रहेगा तो जलेगा बढ़िया से, तो खराब हो जाएगा जल्दी, थोड़ा सा वोल्टेज अप एंड डाउन होगा उड़ जाएगा तुरंत ट्यूबलाइट। तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए, ठीक है, जलेगा तो जरूर बट हो जाएगा बहुत जल्दी ड्रॉप आउट, वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएट किया तो खराब भी हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। दिवाली के समय जो लाइट वगैरह यूज होता है वो कौन सा, दिवाली के समय लाइट यूज होता है ना कलरफुल लाइट, वो कौन सा बल्ब रहता है? तू तो बताया था एलईडी रहता है, एक बल्ब एलईडी, पहले तो बताया था तुमको एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना। दिवाली वाला बल्ब एलईडी आजकल यूज होता है, पहले छोटा छोटा बल्ब यूज होता था, एलईडी होने लगा। ये डायोड रहता है, एक तरह बल्ब नहीं है डायोड है, इसको पढ़ोगे क्लास 12th में सेमीकंडक्टर में, उसको हम लोग बोलते हैं LED लाइट एमिटिंग डायोड। ये दिवाली में यूज होता है या फिर आजकल घर में भी यूज होता है, व्हाइट कलर का, बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है, मतलब बहुत बढ़िया लाइट होता है, वोल्टेज भी कम खर्च होगा, पावर कंज्यूम भी कम खर्च होगा और बढ़िया इसका लॉन्ग लाइफ भी रहता है। टीवी में भी, टीवी में भी, हाँ टीवी एलईडी टीवी आता है आजकल, सब तो एलईडी आता है, पहले एलसीडी आता था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पहले एलसीडी आता था ना सर, पहले एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आता था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यस एलसीडी पहले आता था, इसको बोलते लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इससे बेटर एलईडी है। अभी आता है QLED, इसका एडवर्टाइज कभी टीवी में देखे हो शायद, इसको बोलते क्वांटम डॉट एलईडी, क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है ये, मॉडर्न फिजिक्स पे, क्वांटम मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है अभी के लिए उतना समझो, तो क्वांटम मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड होता है QLED, उसको बोलते क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। ये बहुत सर एमोलेड जो रहता है वो कौन किस तरह रहता है? एमोलेड डिस्प्ले, हाँ वो भी कैटेगरी है, टाइप है एमोलेड डिस्प्ले हो गया, QLED हो गया, फोन पे भी LED लगा है, फिर कैटेगरी है डिफरेंट टाइप का। सर नॉइज आ रहा है पीछे से आपका, आवाज यहाँ पे नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ से नहीं आ रहा है। तुम लोग किसी और का माइक ऑन है? किसी और का माइक ऑन है? इसका माइक ऑन है सर का? नहीं पता नहीं सर, किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रहा था। हाँ मेरा माइक, मेरे में यहाँ आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। AMOLED का मतलब AMOLED उसी को बोलते हैं हम लोग, है ना, AMOLED या AMOLED बोलते हैं, QLED टाइप होता है ना उसी तरह होता है, AMOLED AMOLED बोलते हैं। एक सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे सर। हाँ फ्लोरोसेंट बल्ब का पावर कितना रहता है? फ्लोरोसेंट बल्ब का पावर ठीक ठाक रहता है, मतलब तुम्हारा 40 वाट 50 वाट 60 वाट तक रहता है, ठीक है ना। अगर ये एलईडी है वो हैलोजन बल्ब से कम रहता है, एलईडी का तो 15 वाट में बढ़िया लाइट दे देगा, 15 वाट 10 वाट 25 वाट, हमने घर में 15 वाट में बढ़िया लाइट दे देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजली बचाता है एलईडी। वही ट्यूबलाइट रहता है 40 वाट का, फ्लोरोसेंट बल्ब भी ऑलमोस्ट 40-50-60 वाट का रहता है, और सबसे सबसे ज्यादा पावर खर्च करेगा हैलोजन और बल्ब जो था पीला वाला, 100 वाट 200 वाट, हैलोजन 500 वाट 1000 वाट, इसलिए हर जगह एलईडी यूज होने लगा। एलईडी बहुत ही अच्छा लाइट है, मतलब काफी पावर को बचाता है, प्लस लॉन्ग लाइफ भी बहुत अच्छा है और ग्लो भी बहुत अच्छी तरीके से करता है, तो इसलिए आजकल बल्ब नहीं यूज करते हैं, वो सब उठ गया धीरे धीरे, पहले जमाने में यूज होता था। अच्छा AMOLED पूछ रहे थे ना, इसको बोलते AMOLED, इसका इसको ये टाइप ऑफ OLED है। देखो AMOLED क्या होता है ना, फोन में पढ़ो AMOLED डिस्प्ले, सुने हो तुम लोग जरूर, फोन का एडवर्टाइज देखे हो तो AMOLED डिस्प्ले, टीवी में पढ़े हो क्वांटम LED, QLED देखे हो, मतलब पढ़े हो क्या देखे हो, तो OLED जो होता है वो बेसिकली एक थीन फिल्म डिस्प्ले होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ, मतलब ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनता है और एक थीन फिल्म डिस्प्ले होता है, बहुत पतला सा एक थीन मतलब लेयर रहता है फिल्म का, मतलब लेयर, ठीक है ना, थीन फिल्म डिस्प्ले होता है इस पर, इसको बोलते हैं AMOLED। और बेसिकली इस पे क्या रहता है ना, इस पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, ठीक है, तो सोचो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी पे अब काम हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले LCD, LCD के बाद फिर पिक्चर ट्यूब, पहले पिक्चर ट्यूब CRT कैथोड रे ट्यूब, फिर आ गया LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर आ गया LED लाइट एमिटिंग डायोड,
फिर आ गया क्यू एलईडी, क्वांटम एलईडी, क्वांटम लाइट एमिटिंग डायोड, अब आ गया एमोलेड, ठीक है, अब आ गया एमोलेड, इसको बोलते हैं एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म क्या है एक्टिव, ठीक है ना, ये हम लोग का डिस्कशन के बाहर है बट ठीक है बता दिया, एक्टिव मैट्रिक्स कभी कोई पूछेगा तो बोल पाओगे, मैट्रिक्स ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ठीक है ना, लाइट एमिटिंग, लाइट एमिटिंग डायोड, इसको बोलते हैं एमोलेड सर। हाँ, ये पिक्सल्स पे डिपेंड करते हैं। हाँ बोलो सर, हाउसेस में जो एलईडी यूज होता है वो क्या एमोलेड रहता है? नहीं, वो क्यों एमोलेड रहेगा, वो नॉर्मल एलईडी और क्या, मतलब ओलेड रहता है क्या ये? एमोलेड तुम्हारे फोन पे यूज होगा, फोन जैसे गैलेक्सी नोट 10 पे होता है यूज, वो भी सब फोन पे नहीं, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 पे है ना एमोलेड डिस्प्ले होता है, जो फ्लैश लाइट रहता है, फ्लैश लाइट रहता है जिसमें डिस्प्ले जो रहता है बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले होता है एमोलेड रहता है उसपे, एलईडी की जगह एमोलेड यूज होता है, जैसे जैसे हो गया मोबाइल फोन मीडिया प्लेयर्स इन सब में। हेलो, यस सर, हाँ क्षितिज क्लास ले रहे हैं, बोलो जल्दी। अच्छा ठीक है, कुछ देर पकड़ो ना, 5 मिनट में, ठीक है, छोड़ रहे हैं बस, ठीक है, ओके ओके ठीक है, चलो फिर यहीं तक, ठीक है ना, पढ़ के आना, अगले क्लास में बात करते हैं आगे, इसका नोट ले लेना, नोट्स लिख लेना अच्छे से, थैंक यू सर, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।